राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोह पुरुष सरदार की कर्मभूमि को विकास की ओर अग्रसित करके आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है गुजरात। अब आगे बढ़ रहा है गुजरात। खेलकूद में भी आज गुजरात की पहचान है जलपरी माना पटेल, 35 नेशनल रिकॉर्ड्स होल्डर, आदिवासी डांग जिले के एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मुरली गावित, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2 गोल्ड विजेता हरमित देसाई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटा उदयपुर की आर्चरी प्लेयर पायल राठवा, आज देश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना भी गुजरात की खेल संपदा का ही रत्न है। गुजरात की इस पहचान को तराशा है विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2010 में करी एक अनोखी शुरुआत खेल महाकुंभ। जब तक खेल हमारी रगों में नहीं होता है तब तक खेल दिल्ली आने की संभावना नहीं होती है, और इस खेल महाकुंभ के प्रयास के माध्यम से हम उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ प्रदेश से ही नहीं, जिला, शहर और गांव स्तर के 30 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का और प्रतिवर्ष 40 करोड़ के कैश प्राइजेस प्राप्त करने का अवसर। अब एक झलक सरकार के अन्य प्रयासों की। सर्वप्रथम खेलकूद का बजट 2009 के 26 करोड़ के मुकाबले 2017 में हुआ 460 करोड़। खेल महाकुंभ से चुने गए 2400 खिलाड़ियों को PPP मॉडल से 24 प्राइवेट स्कूल में सरकारी खर्च द्वारा शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण। इन स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंतर्गत 1 लाख से अधिक खिलाड़ियों को तालीम। प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 1400 खिलाड़ियों को 65,000 रुपयों की वार्षिक सहायता। स्पोर्ट्स आइकन के मार्गदर्शन में 750 खिलाड़ियों के लिए रेसिडेंशियल एकेडमीज की शुरुआत। विशिष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय तालीम के लिए शक्ति दूत योजना के अंतर्गत प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 25 लाख तक की सहायता। सबका साथ सबका विकास, दिव्यांगों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना एक और अनोखी शुरुआत। खेल महाकुंभ ने पहचाना एक छोटे से गांव सरखड़ी को, जिसने दिए 48 नेशनल मेडलिस्ट महिला वॉलीबॉल प्लेयर, और दूसरे गाँव सांपरा महादेवपुरा से 27 महिला फुटबॉल खिलाड़ी। 1985 से 2011 के 26 वर्षों के अंतराल में नेशनल गेम्स में गुजरात के नाम थे सिर्फ 10 गोल्ड मेडल्स, और 2015 के एक ही वर्ष में केरला नेशनल गेम्स में 10 गोल्ड मेडल्स जीतकर गुजरात 28वें स्थान से सीधे पहुंचा 9वें स्थान पर। नेशनल स्कूल गेम्स में भी गुजरात की ऊंची उड़ान, 10 स्थान से उठकर पहुंचा 6ठे स्थान पर। गुजरात को 2016 में मिला बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम खेलो इंडिया 2016 में गुजरात देश भर में प्रथम रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में खेल महाकुंभ का प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ कि गुजरात अव्वल नंबर पे आया। गुजरात में स्पोर्टिंग कल्चर का वातावरण निर्माण हुआ और अब गुजरात तैयार है ओलंपिक के लिए। रमसे गुजरात, जिससे गुजरात, जय जय गरवी गुजरात।